हाँ जी जी मंदिर का सीक्रेट बुक से गोल्ड डायमंड ये सब बहुत मिला है। मंदिर का नाम क्या बताया? अनंत पद्मनाभ। हाँ जी तीन दरवाजे ये अनंतनाग कौन है? अनंत जिसका कोई अंत नहीं। और नाभि कमल में जिसके पद्म है पद्म है तो पद्म अर्थात कमल फूल निकलता है। किसकी नाभि से कमल फूल निकलता है? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला तो पद्मनाभ कहा जाता है। केरला ऐसा प्रदेश है जो पश्चिमी समुद्र के किनारे स्थित है। पश्चिम में किसका राज्य है? है पश्चिम में जरूर पश्चिमी सभ्यता का राज्य है, पश्चिमी देशों का राज्य है। ये पश्चिमी सभ्यता जो पाम पेंट शो दिखाने वाली सभ्यता है उसका मुखिया कौन है इस रंगमंच पर? कौन है? विष्णु। पहले विष्णु या पहले ब्रह्मा? जो ब्रह्मा सो विष्णु। तो मूल रूप से आत्मा एक ही है या अलग अलग आत्माएं हैं? विष्णु बड़ा या विष्णु को बनाने वाला बड़ा? बनाने वाला बड़ा। विष्णु के अनेक अवतार दिखाई दिए हैं। तो भगवान अनेक हो गया या एक भगवान है? भगवान तो एक है, फिर अनेक रूपों में दिखाने की क्या जरूरत? ये पश्चिमी सभ्यता का दिखावा मात्र है। जो दिखावा करते हैं वो पब्लिक की संपत्ति को इकट्ठा करके रखते हैं, ये पब्लिक की चीज पब्लिक में बांट करके रखते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा करके रखते हैं। जो अच्छे राजाएं होते हैं वो पब्लिक की चीज पब्लिक में बांट के रखते हैं। इकट्ठा करके रखने वाले
देह अभिमानी राजाएं वो हैं जो अपने परिवार के लिए एकत्रित धन करते हैं, नहीं तो राजाओं को समझना चाहिए ये सारी प्रजा मेरी प्रजा मेरे बच्चे हैं। अटके भीरे, इनकी संपत्ति इन बच्चों में ही बांट देनी चाहिए। तो जो भी संपत्ति केरला के मंदिर में मिली वो देह अभिमानी राजाओं की संपत्ति है, उन्होंने इकट्ठी करके रखी, या आत्माभिमानी राजाओं की है? वो देह अभिमानी राजाएं थे जिन्होंने इतनी भारी संपत्ति को इकट्ठा करके रख दिया, कोई काम नहीं आई। बाप तो सिखाते हैं त्याग और तपस्या, बाप भगवान है तो भगवान का सारा जीवन त्यागी तपस्वी होगा या संग्रही होगा? त्यागी तपस्वी होता है। यथा राजा तथा प्रजा, उसके बच्चे भी ऐसे ही किस्म के होंगे। और बाबा, किसको शनिदेव कहते हैं? किसको शनिदेव कहते हैं? शनिदेव कहते हैं? जो भी देवताएं हैं उन देवताओं में दो ऐसे हैं जिनका जीवन अमर हो गया, अमर को देवता कहा जाता है। परंतु देवताएं भी निष्कृष्ट और श्रेष्ठ दो प्रकार के होते हैं। श्रेष्ठ देवताओं में कहा जाता है देव देव महादेव, बोलते भी हैं विष्णु देवताई नमः, अंत में बोलते हैं शिव परमात्मा ही नमः। निष्कष्ट देवताओं में दो प्रसिद्ध हैं, जो अमर हैं, अमर माने देवता, राहु और शनिदेव, और दोनों ही बड़े कुटिल बुद्धि हैं या सरल बुद्धि हैं? कुटिल बुद्धि हैं। फिर भी देव पद पाया है, जरूर कुछ न कुछ पवित्रता को फॉलो किया है, बल तामसी पवित्रता को पालन किया है, इसलिए उनकी भी पूजा होती है। उन देवताओं की यादगार में सप्तवार बने हुए हैं, सूर्यवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चर आदि। शनिवार सबसे लास्ट माना जाता है। लोग याद भी करते हैं सूर्य देवताई नमः, चंद्र देवताई नमः।
आज में ज्ञान था है और अंत में फिर जरूरत है। आदि सो अंत उनके लिए कहा गया है जो जगत में रमत के रह जाएंगे, जो भारत में रमण करेंगे वो जगत की गति को प्राप्त करेंगे या भारतवासियों की श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेंगे। कहां जावेंगे? जगत माने 500 करोड़, उसमें विधर्मी भी आ जाते हैं, विदेशी भी आ जाते हैं और भारतवासी माने 33 करोड़ देवताएं जो ज्ञान में रमण करने वाली आत्माएं हैं। भा ज्ञान की रोशनी को कहा जाता है, बाप में रमण करने वाली आत्माएं हैं। और सूर्य का साथ साथ घोड़ा दिखाते गई है, सूर्य सूर्य का सामने साथ घोड़ा दिखाते गई, सामने घोड़ा गोरा है एक घोड़ा काला है। कोई शनिदेव शनिदेव काला है कि गोरा है? राम कौन है वाली कौन है? राम की आत्मा और वाली की आत्मा। रामायण में राम और बाली का कथन आया हुआ है। बाली को मनुष्य आत्मा कहेंगे या भगवान कहेंगे? है मनुष्य आत्मा है, लेकिन मनुष्य आत्माओं में भी ऐसी विशेष आत्मा है जिसको ये वरदान मिला हुआ था कि उसका जो सामना करेगा उसकी आधी ताकत उसमें आ जाएगी। मुरली में भी बाबा बोलते हैं बाप का तो कब सामना नहीं करना चाहिए, तो कौन से बाप की तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं? आत्माओं के बाप की तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं। आत्माओं के बाप का सामना नहीं करना चाहिए या देहधारी मनुष्यों के बाप का सामना नहीं करना चाहिए? है कौन से बाप का कब सामना नहीं करना चाहिए? क्योंकि आत्माओं का बाप उसको कभी अहंकार आता है, आत्माओं के बाप को कभी अहंकार नहीं आता। 70-71 साल होते गए पूरे हुए, अभी भी बाप समझाए रहे हैं और बच्चे मगरूरी में सामना करके मुकर जाते हैं या बात को मान रहे हैं? है? नहीं मान रहे हैं। तो क्या बाप उनके लिए भारी पड़ जाता है या फिर भी प्यार का सागर है? तो आत्माओं के बाप की बात ये नहीं हो सकती, ये मनुष्यों के बाप की बात है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है
उसके लिए बोला कि उस बाप का कब सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिसाब किताब आत्माओं के बाप के साथ जुड़ता है या मनुष्यों के बाप के साथ जुड़ता है? मनुष्य आत्माओं के बाप के साथ हिसाब किताब जुड़ता है। वो ऐसी शक्तिशाली आत्मा है, एक एक के सौ सौ गिनावेगी। इसलिए धर्मराज बाप जब कहा जाता है तो प्यार का सागर आत्माओं का बाप के लिए कहा गया या देह अभिमानियों के बाप के लिए कहा गया, देहधारी मनुष्यों के बाप के लिए कहा गया? इसलिए भारत में कौन सा जानवर प्रसिद्ध है? चीता, टाइगर, राष्ट्रीय पशु माना जाता है। क्या खासियत है उसमें? जब देखेगा कि शत्रु पक्ष सामना करने वाला पावरफुल है तो अपना छोटा रूप बना लेगा, सिकुड़ जाएगा, कन्नी काट जाएगा, दिशा बदल जाएगा, किनारा कर लेगा, फिर जब अवसर देखेगा तब ही धर दबोचेगा। ये भी धर्मराज बाप शंकर का पार्ट है, बाली जिसे कहा गया है, जो सात ताड़ के वृक्षों को एक बाण से ढाएगा, वो ही बाली को मार सकता है। तो ये सात ताड़ कोई और नहीं है, ये सात नारायण ही है सप्तऋषि के रूप में। जिनकी ओट लेकर के दिखाया गया है कि भगवान ने बाली को तीर मारा, अगर राम वाली आत्मा बेसिक में ना आई होती तो एडवांस की गहराइयों को पकड़ पाती? नहीं पकड़ सकती थी। और बेसिक में लाने के लिए उनके जन्मदाता पालनहार कौन बने? वो ही और धर्म के धर्म पिताएं, आधार मूर्त आत्माएं जो नारायण बनती हैं, राम वाली आत्मा से पहले ही ज्ञान में आ जाती हैं। उसको जन्म और पालना देने के निमित्त बन जाती हैं। वो आगे आती हैं, भगवान उनकी ओट लेता है, तब ज्ञान का बाण बाली को लगता है। और मारा जाता है। बाबा, तमिल में एक क्वेश्चन पूछे,
शायद हमने क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण को लंबा क्यों दिखाया गया लक्ष्मी के इसमें, और नारायण पहला क्यों दिखाया गया? पहला नारायण खड़ा क्यों और बाद में लक्ष्मी खड़ी क्यों? जब फोटो खींचा जाता है तो उल्टा खींचता है या सीधा खींचता है? दाया बाया हो जाता है और बाया दाया हो जाता है या ज्यों का त्यों रहता है? क्या होता है? रिवर्स होगा। उल्टा हो जाता है। तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी फोटो है, ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक नहीं है, इसलिए दाया बाया और बाया दाया दिखाई पड़ता है। नहीं तो स्त्री को बाईं ओर रखा जाता है या दाईं ओर रखा जाता है? स्त्री का स्थान किस तरफ रहता है? है? अरे बामांगी कहा जाता है या दायांगी कहा जाता है? बामांगी कहा जाता है। लक्ष्मी बामांगी है। शक्ति आसनों का संहार करेंगी, ये उनका विशेष कार्य पार्ट है। ये संहार करने का कार्य बाईं भुजा का है या दाईं भुजा का है? असुर संहारिणी गाई हुई है। प्रैक्टिकल में शक्तियां क्या पार्ट बजाती है? असुरों का संहार करने का पार्ट बजाती है। इसलिए वास्तविक उनका स्थान बाईं ओर है। बाप कभी बच्चों का विनाश नहीं करता है। और रही लंबाई की बात, तो कहा जाता है इनके हाथ बड़े लंबे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा पावरफुल हैं या कम पावरफुल हैं? ज्यादा पावरफुल है तो कद की लंबाई ज्यादा पावर की निशानी है। जैसे शिवलिंग बड़ा बनाते हैं, ऊंचा बनाते हैं, और शालिग्राम छोटा बनाते हैं। शालिग्राम की ऊंचाई कम दिखाते हैं और शिवलिंग की ऊंचाई ज्यादा दिखाते हैं, ताकि ये साबित हो जाए कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, बड़ी सेवा करने वाला कौन है और छोटी सेवा करने वाला कौन है। सेवा के आधार पर पद का आधार बनता है, पद की प्राप्ति होती है। इसलिए नारायण को बड़ा दिखाया गया है और लक्ष्मी को छोटा दिखाया गया। और भारतवर्ष में जहाँ औरत की पूजा की जाती है, भारतवर्ष में जहाँ जगदम्बा और लक्ष्मी मान से पिता मन से पूजा की जाती है, वही दूसरी और औरतों को बहुत अच्छी पहचान होती है। बहुत अत्याचार होता है, उस पर बहुत जीवन दिया जाता है। अभी वो शूटिंग का समय नहीं आया है। बेसिक में शूटिंग का समय आ गया था। बेसिक में जिन जिन बच्चों ने बाप को पहचान लिया कि भगवान बाप आया हुआ है, उन्होंने उन ज्ञान देने वाली देवियों कन्याओं माताओं की भर्त्सना शुरू कर दी।
या पूजा करने बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, डुबो दिया है, डूबी जा कर दिया, या पूजा कर रहे हैं अभी भी? डूबी जा कर दिया। ये बेसिक में शूटिंग दिखाई पड़ रही है, छुपाने के संस्कार। जब तामसी आत्मा बनती है तो पुरुषों में ज्यादा होते हैं या स्त्रियों में ज्यादा होते हैं? ज्यादा देहवान किस में रहता है? स्त्री जाति में छुपाने के संस्कार ज्यादा हैं, इसलिए सहन करना पड़ता है। नहीं तो तमो प्रधान तो पुरुष भी बनते हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ये नियम है, ये कोई पाप नहीं है, ये ड्रामा में नूद है। लेकिन फिर पाप क्या है जो कन्या माताओं को इतना दुख सहन करना पड़ता है? उसका कारण है अपना पोता मेल को छुपाना, सही पोता मेल नहीं देना। इसलिए मुरली में भी बोला है अपना पूरा पोता मेल देने वाला कोई कोटों में एक है। देने वाला क्यों बताया, देने वाली क्यों नहीं बताया? जरूर कोई पुरुष है, नहीं तो पुरुषार्थ करने वाली स्त्रियां भी हैं, कन्याएं माताएं भी हैं। वो नंबर वार अपना पोता मेल छुपाने वाली हैं। भगवान के सामने तो बिल्कुल नंगा हो जाना चाहिए, बिल्कुल साफ दिल चाहिए, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। डर होता है तो साबित होता है देहभान है, अगर देहभान नहीं है तो निडर होगा या डरपोक होगा? निडर होगा, कोई परवाह नहीं, जो होना है सो हो जाए। भगवान बाप से हम क्यों छुपावे? ये गाड़ी के चित्र में बीज तो नवरत्न को दिखाया है ना? है गाड़ी का चित्र में, हाँ नीचे बीज नवरत्न को बताता है ना? हाँ फिर अष्टदेव को भी बीज होते हैं, एक जड़ को दो बीज होते हैं, अष्टदेव को बीज बताता है ना? अष्टदेव का बीज, अष्टदेव देव हैं, बीज तो हैं, लेकिन देवता किस्म के बीज हैं? अधर्म क्या होगी? और धर्म के बीज अलग अलग हैं, उन्हें रतन कहा जाता है, वो एक दूसरे से कम कीमत वाले हैं। और जो अष्टदेव हैं वो तो सात सूर्यवंशी हैं, बल चंद्रवंश से कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बने तो भी सूर्यवंशी हैं। अष्टदेव में चार सूर्यवंशी चार चंद्रवंशी, हाँ ये पहला चुनाव है, चार ही मुख्य धर्म है, देवता चंद्रवंशी इस्लामी और बौद्ध ही।
2018 के बाद लक्ष्मीनारायण राधा कृष्ण तो हो गया ना, बचपन में राधा कृष्ण होता है या समझदार होने के बाद राधा कृष्ण होता है? हाँ, जब समझदार कम है तो राधा कृष्ण, समझदारी पूरी हुई तो बच्चे नहीं हैं, सगीर बुद्धि हैं। शरीर का परिवर्तन तब होगा जब सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का परिवर्तन हो जाए, नहीं तो शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। पहले जड़ प्रकृति का सुधार होगा या पहले चैतन्य आत्माओं का सुधार होगा? चैतन्य आत्माएं पहले सुधरेंगी और जब सुधरेंगी तो निराकारी स्टेज को पकड़ेंगी। चाहे स्वयं के पुरुषार्थ से सुधरें और चाहे धर्मराज की मार से सुधरें, सब चैतन्य आत्माओं को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है, तब दुनिया के वाइब्रेशन में परिवर्तन आएगा। नहीं तो दुनिया का वाइब्रेशन बिगड़ता जाएगा या सुधरता जाएगा? मान लो 33 करोड़ सात्विक स्टेज को पहले प्राप्त कर लेते हैं देवात्माएं, तो उनके मुकाबले 33 करोड़ कम 500 करोड़ जो और मनुष्य हैं, वो 500 करोड़ मनुष्य वाइब्रेशन गंदा करने में भारी पड़ेंगे या हल्के हो जावेंगे? भारी पड़ेंगे, इसलिए उनका भी विनाश जरूरी है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं में परिवर्तन आ जाना चाहिए, तभी ये जड़ प्रकृति परिवर्तन होना शुरू होगी। जड़ प्रकृति के 5 तत्व माना शरीर के 5 तत्वों में परिवर्तन शुरू होगा। और हमारा प्रोसेस से एंड से कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, तो कंप्लीट नहीं हुआ आपका? हाँ कंप्लीट करो। हाँ मुख्य पावरफुल धर्म कौन कौन से हैं? देवता धर्म, चंद्रवंशी धर्म जिन्हें क्षत्रिय धर्म कहा जाता है, और तीसरा इस्लाम और बौद्ध। है क्या वो तो बाद में है ना, क्रिश्चियन इस्लाम और बौद्धी के मुकाबले पावरफुल है या कम पावरफुल है? अभी वो ही पावरफुल। कौन? क्रिश्चियन दुनिया में पावरफुल हैं। अगर पावरफुल हैं तो अंत में उनकी विजय होनी चाहिए या हार हो जाती है? तो पावरफुल कौन हुआ? इस्लामियों के लिए बोला है इस्लामी पहले मरेंगे, तो ज्यादा पावरफुल कौन हुए? जो पहले पहले जीते जी मरना शुरू कर दें वो पावरफुल होंगे या बाद में मरेंगे वो पावरफुल होंगे?
अभी भी देखा जाता है। धर्म के नाम पर मारामारी की बात आती है तो अपने जीवन का भी दांव लगाने के लिए कौन से धर्म के लोग तैयार हो जाते हैं? इस्लाम धर्म के लोग तैयार हो जाते हैं। उनकी रूहानी मिलिट्री भी बड़ी पावरफुल बनती है। और वो कैसा नंबर में आएंगे? बताया ना कि सूर्यवंश से एक, चंद्रवंश से एक, रुद्रमाला में चार को पहले उठाया जाए तो एक सूर्यवंशी, एक चंद्रवंशी, उसके बाद एक इस्लाम वंशी और एक बौद्धी वंशी। ये चार पावरफुल आत्माएं उठाई गई तो इनकी चार सहयोगिनी शक्तियां भी चाहिए ना, कि अकेले ही पावरफुल बन जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। पहले आठ तो जो मुख्य चार हैं उनको तो गिने, चार सूर्यवंशी पक्के और चार चंद्रवंशी पक्के। तो चंद्रवंशी कहां से निकलेंगे? विजयमाला से। और सूर्यवंशी रुद्रमाला से। हाँ, चार जोड़ी निकले। शरीर परिवर्तन नहीं होता है 2018 से। आत्मा का परिवर्तन होगा पहले या पहले शरीरों का परिवर्तन साथ साथ होगा? शरीर तो तब परिवर्तन होगा जब आत्माएं सारी परिवर्तन हो जाएं। जब तक प्रकृति को पावरफुल नहीं बनना है, प्रकृति को जब तक सतो प्रधान नहीं बनाया है, तब तक इस सृष्टि का परिवर्तन ही नहीं हो सकता। समूची सृष्टि का परिवर्तन चाहिए तो प्रकृति को भी साथ साथ लेकर के चलना पड़े। इसलिए ज्ञान से आत्माओं का परिवर्तन होता है और योग से जड़ प्रकृति का भी परिवर्तन होगा। जड़ तुम्हारी आत्माएं जो भी हैं, पशु पक्षी वगैरह, उनका भी परिवर्तन होगा। हाँ जी, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जब अपना परिवर्तन करें आत्मा का, तब जड़ प्रकृति का परिवर्तन शुरू होगा। जड़ प्रकृति का परिवर्तन जड़ ज्ञान जल से जड़ जल से होगा या ज्ञान जल से होगा? है जड़ जल जो है वो शुद्ध किसको करेगा? आत्मा को शुद्ध करेगा या जड़ प्रकृति को परिवर्तन करेगा? प्रकृति को परिवर्तन करेगा। मूसलाधार बरसात होगी दुनिया में और सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। जैसे ज्ञान जल से मनुष्य आत्माएं आप्लावित हो जाएंगी, ऐसे ही परिवर्तन होगा। ऐसे नहीं कि आत्मा पावरफुल बनती जाएगी तो शरीर भी पावरफुल सतो प्रधान बनते जाएंगे। है 2018 के बाद हाँ क्या होगा? ठीक है, जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है
तब तक असली विनाश नहीं होगा और पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? कम से कम कितनी आत्माओं का संगठन चाहिए? पारिवारिक एक इकाई जरूर चाहिए। एक परिवार पूरा पावरफुल संगठन का चाहिए। इसलिए बोला है एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। तो बताओ 108 की माला में कितने संगठन हैं? 12-12 के 9 संगठन हैं। ये 9 संगठन में से कोई संगठन तो ऐसा होगा जो पहले तैयार होगा, वो कौन सा होगा? सूर्यवंशी होगा। तो इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक मड़का दूसरे मड़के को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा, पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। पूरी राजधानी स्थापन होगी तो जोर शोर से पूरा विनाश भी शुरू होगा। जो और मूर्तियां हैं उनकी आत्माएं ज्यादा काली बनती हैं या नारायण ज्यादा काला बनता है? ज्यादा तमो प्रधान ज्यादा पतित कौन बनता है? तो ज्यादा पतित बनेगा उसको टाइम लंबा चाहिए या शॉर्ट टाइम चाहिए? उसको पवित्र बनने में भी ज्यादा लंबा टाइम चाहिए। इसलिए नाम ही है अहमदाबाद। क्या अंत में झुकता है? सबको झुकाने के बाद अंत में झुक जाता है। शिव की आत्मा झुकाने वाली है या राम वाली आत्मा झुकाने वाली है? राम वाली आत्मा सबको झुकाने वाली है। शिव का तो किसी से ईर्ष्या द्वेष है ही नहीं, वो तो सदैव ही निर्वैर है। अहंकार को अर्पण करने की बात ही नहीं, शिव के अंदर तो अहंकार है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा अहंकार किसके अंदर है? रामवाली आत्मा के अंदर। घोड़ा दिखा दिया है जिसका काफी 108 है। हाँ, तो राम से ज्यादा गोरा दिखा दिया। हाँ, वो पहले गोरे बन जाते ना याद लगाते लगाते। जो ज्यादा तमो प्रधान होगा उसको ज्यादा लंबा टाइम चाहिए या जो कम तमो प्रधान है उसको ज्यादा लंबा टाइम चाहिए? ज्ञान के लिए याद के लिए ज्यादा टाइम किसको चाहिए? इसलिए बोला है 100 की माला फिर भी तैयार हो जाती है लेकिन 8 की माला बहुत ऊपर नीचे होती है। अभी अभी ऊपर, अभी अभी माया उनको नीचे गिरा देती है। और 8ों में भी नंबर 1 कौन है? बाप। वो जिन्नात मिसल काम करता है, जिन्न को काम मिला हुआ है। क्या काम मिला हुआ है?
एकदम ऊपर चढ़ जाओ, एकदम नीचे पांच मार से नीचे गिरो। तो काला भूत दिखाया हुआ है दिलवाड़ा मंदिर में, काली कोठरी में बैठा हुआ। वो कोठरी गुफा के अंदर अंदर भीतर क्यों दिखाई है? और कोठरियां बाहर दिखाई है, खुले मैदान में दिखाई है, उसको अंदर क्यों दिखा दिया गुफा में? खुला रुस्तम छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा। और मुरली में बोला है अंग से अंग स्पर्श हो रहे थे, दूसरों को पूछा अपना आसन आपको ऊपर पड़ेगा, ठीक है? पहले तो भाई ने पूछा ट्रेन में जाते बस में जाते वो अंग तो टच होता ही है, पर मैं भी बैंगलोर में रहते तो इतना तो टच होता ही है ना। लेकिन बुद्धि बाप में लगी हुई हो तो बुद्धि बाप में लगी फिर क्या हुआ? हाँ बुद्धि बाप में लगी है तो असर होगा, होगा ही नहीं। अरे नंबर वार है या नहीं है? नंबर वार है। अरे सबका देह अभिमान एक जैसा है कि कोई का पतला है कोई का मोटा है, है? एक जैसा है क्या? नहीं। और तमिलनाडु में एक दूसरा पर्चलाभ है, वार्तालाप सुनना ही मतलब कई वार्तालाप सुनने का नहीं ऐसा बता सकते। कौन सी गीता पाठशाला में? नाम आपको पर्सनल बता। अच्छा अच्छा हाँ हाँ वार्तालाप सुनना सुनना मतलब कई कभी नहीं सुनने का है, क्लास में भी लगाती नहीं। कभी नहीं सुनने का है माने बाप को वार्तालाप करना ही नहीं चाहिए, बाप बड़ी भारी गलती कर रहा है। बाप का बोला हुआ है इसका मतलब बाप की स्वीकृति है या नहीं है? स्वीकृति है, नहीं तो वार्तालाप करने का मौका ही न दे। ब्रह्मा कुमारियां या गुरु लोग भरी सभा में प्रश्नोत्तर करने का मौका देते हैं? है? नहीं देते। क्यों नहीं देते? हैं? क्योंकि आंसर हम नहीं दे पाएंगे, हमारी डमडम हो जाएगी सबके सामने, फिर हमको गुरु कौन मानेगा? एक गीता पाठशाला में रहने वाला दूसरा गीता पाठशाला में रहने वाला तो कुछ गेंट चाहिए तो कर सकता क्या नहीं? इस तरह की हेल्प वो कुछ बुक्स लाने का है, बुक्स लाने का सीडी लाने का सीडी डीवीडी बैंगलोर रहता है तिरुपति जाता है उधर से ला के देने के लिए ज्ञान। हमारा अलौकिक परिवार है तो अलौकिक रूप से हम सहयोग क्यों नहीं कर सकते एक दूसरे का? वो भी नहीं करने का वैसा करेगा क्लास में नहीं होने का वैसा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सहयोग देगा तो जन्म जन्मांतर सहयोग मिलेगा, और सहयोग नहीं देगा तो जन्म जन्मांतर सहयोग नहीं मिलेगा। स्नेह देगा तो जन्म जन्मांतर स्नेह मिलेगा, स्नेह नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। देह अभिमान का स्नेह देगा तो जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? देह अभिमान का सहयोग मिलेगा स्नेह का। जैसा करेगा वैसा पाएगा, चिंता किस बात की है, कंप्लेंट किस बात की करें? तो फिर कौन आया बस एक बार समझाना हमारा काम है कि बाबा ने ऐसे बोला है, कोई ध्यान दे या ना दे।
और कृष्णगिरी वहाँ एक नया दही मंदिर है, उसका नाम पर्वत पद्मावती मंदिर है। पर्वत पद्मावती मंदिर, पर्वत 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 पद्मावती मंदिर, पर्वत पर्वत पद्मावती मंदिर, पद्मावती मंदिर वहाँ 108 शक्तियों का रूप है। हाँ मंदिर देखते हाँ पद्मावती किसको कहा जाता है? अरे नया हो या पुराना हो, हाँ जैन मंदिर हो या कोई भी यादगार मंदिर हो, पद्मावती किसको कहा जाता है? पद्मावती कौन है? पद्म के ऊपर आसन किसको दिखाया गया है? हैं? लक्ष्मी को दिखाते हैं। जो लक्ष्मी का पार्ट है वो राजमाता का पार्ट है या राजलक्ष्मी का पार्ट है? पद में राजलक्ष्मी बड़ी है या राजमाता बड़ी है? राजमाता बड़ी है। कौन किसके बस में है? राजमाता बसीभूत नहीं है, परवश नहीं है, और राजलक्ष्मी सास के परवश है। दुनिया में भी जो परंपरा चल रही है भारत में उसमें सास परवश होती है या बहु परवश होती है? हैं? बहु परवश होती है। परंपरा की बात बताइए, आजकल की दुनिया में परंपराओं को मानते हैं? हम परंपराओं की दुनिया की बात कर रहे हैं, भक्ति मार्ग की। आजकल की दुनिया तो भक्ति मार्ग को मानती ही नहीं, नास्तिक बन गए। ओम शांति।